में निस्वार्थ गरीबों को बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री वितरित कर कोरोना योद्धा बनकर उभरे थे कैप्टन सुभाष चंद्र योगी। वहीं अब इन्होंने अपने समाज को मुख्य धारा में लाने का बीड़ा उठा लिया है। इनके नाम का डंका उपाध्याय नाथ योगी समाज में उत्तराखंड ही नहीं हरियाणा पंजाब यूपी दिल्ली में बज रहा है, बल्कि सहारनपुर के गंगो में एक मीटिंग में बोलते हुए कैप्टन सुभाष चंद्र योगी ने कहा है कि मैं मरते दम तक समाज की सेवा करूंगा। देखिए और क्या बोले कैप्टन सुभाष चंद्र योगी। जय गुरु गोरखनाथ। मैं कैप्टन सुभाष चंद्र योगी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। मेरी समाज से विनती है कि बच्चों को, लड़के लड़कियों को शिक्षित, रोजगार और भाईचारा और मजबूत संगठन। और सरकार से मेरी विनती है कि हम 70 सालों से योगी नाथ उपाध्याय समाज किसी भी पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, चाहे भले उसमें कांग्रेस है, बीजेपी है और छोटे दल, लेकिन अभी तक हमारा समाज किसी भी पार्टी ने लाइट में नहीं किया। मेरी सभी राज्यों से, खासकर अपने उत्तराखंड से, सरकार से विनती है कि हमारे समाज को, योगीनाथ समाज को राजनीति में हिस्सेदारी करें। जबकि हमारी उत्तराखंड में 15 लाख के करीब स्ट्रेंथ है हमारी, और हमारे स्ट्रेंथ, हमारे समाज का कोई भी आदमी किसी भी पद पर नियुक्त नहीं है, चाहे एक छोटा सा चेयरमैन, राज्य मंत्री या कोई भी विधायक हमारे समाज से नहीं है। जबकि हमारे समाज की इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी हमारे को बिल्कुल किसी भी योग्यता के अनुसार नहीं दिया गया।